IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। लंबे समय तक देश पर राज करने के बाद आज ताज क्या चिना, कांग्रेस को सड़क की अहमियत समझ में आ गई है। लेकिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज जनता के मुद्दे पर सड़कों पर नहीं उतरे हैं। वो सड़क पर आए हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में कोर्ट की तरफ से समन भेजे जाने के बाद। क्या दिल्ली में कांग्रेस का मार्च कोर्ट के खिलाफ था या फिर मौजूदा सरकार के खिलाफ, क्या है पूरा माजरा, ये रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी, चिदंबरम, खड़गे, एंटनी, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंह भी, मणिशंकर अय्यर से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता सड़कों पर। क्या आपने कभी कांग्रेस के इन दिग्गजों को किसी जनहित, जन सरोकार या जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर देखा है? दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे तो भेजा फ्राई हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मौका आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन सत्ता जाते ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज तमाम मतभेदों को भुलाकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। आखिर क्यों? असल में कोयला घोटाले की आंच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ जैसे ही धधकी, कांग्रेस में हड़कंप मच गया। फिर तो पार्टी के लिए मनमोहन सिंह के साथ मजबूती से खड़े होने की मजबूरी हो गई। रातों रात तय हुआ और सुबह होते ही काले दाग के खिलाफ झक सफेद कुर्ते पजामे में लग गया पार्टी मुख्यालय के बाहर नेताओं का मजमा। पैदल मार्च करने वालों की मंजिल मनमोहन सिंह के घर तक पहुंचकर एकता दिखाने की थी। And we shall fight this not only legally, but with all other means at our command. And we have no doubt whatsoever that he will be vindicated. कांग्रेस ने हर हाल में मनमोहन सिंह का बचाव करने का फैसला किया है। ये सोनिया समेत तमाम दिग्गजों के सड़क पर उतरने और नेताओं के बयानात भी साबित करते हैं। इसको अदालत में हम लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इससे बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकलेंगे। So there is no ground to proceed against him. लीगल टीम ऑलरेडी काम कर रही है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम जो उचित कदम है इस मामले में उठाएंगे। जो लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जानी है, कांग्रेस उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। असलियत यही है कि कोयला खदान आवंटन घोटाले के सिलसिले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को मनमोहन सिंह को समन भेजा था। मनमोहन सिंह समेत 6 और लोगों को बतौर आरोप समन भेजा गया। इन सभी से 8 अप्रैल को पेश होने को कहा गया। कांग्रेस मनमोहन के बेगुनाह होने और उनकी ईमानदारी को शक से परे होने की लाख कोशिश करे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस मामले में अदालत के जरिए होने वाली जांच पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। Law will take its own course and certainly there is no political vendetta as far as this issue is concerned. सच बात यह है कि उनके दफ्तर में एक अनौपचारिक समिति बनी थी जिसमें मोतीलाल वोरा थे, अहमद पटेल थे, पुलक चैटर्जी और टीके नायर। इन्होंने लिस्ट बनाई किन किन को देना है और वो लिस्ट सोनिया गांधी ने उसको छोटा किया और फिर उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उन्होंने दस्तखत की। एक तरफ कांग्रेसी नेता सड़कों पर तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भविष्य राहुल गांधी नदारद। छुट्टी पर होने के बावजूद राहुल जरूरी मौकों पर इन दिनों एसएमएस से संवाद करते रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के एक अध्यादेश को सरेआम फाड़ने वाले कांग्रेस के महासचिव के इस मुद्दे पर खामोशी चर्चा का विषय बन गई है। खुद के दर पर सोनिया समेत कांग्रेसी दिग्गजों की बड़ी मंडली को पा मनमोहन भी हौसले से लबरेज होकर आगे की लड़ाई अदालत में लड़ने की बात कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सोनिया जी एंड ऑल आवर सीनियर कोलीग्स हु हैव अनएम्बिगुअसली कम टू द कंक्लूजन दैट वी हैव टू फाइट दिस बैटल यूनाइटेड।
यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में घोटालों के शोर से घिरी सरकार के मुखिया कोयला घोटाले में साफ सुथरे निकल पाते हैं या नहीं, ये कोर्ट के फैसले से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आखिर राहुल गांधी कहाँ हैं? फिलहाल उनका पता ठिकाना किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इसके बावजूद SMS से अपनी मौजूदगी जताने वाले राहुल ने मनमोहन सिंह के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने आज रणदीप सिंह सुरजेवाला से कांग्रेस की हालत पर बात की तो ये भी जानने की कोशिश की कि क्या था सुरजेवाला का जवाब। देखिए इस बातचीत में। जो इस देश को चलाने की बात कर रहा था, जो इस देश को दिशा दिखाने की बात कर रहा था, वो राहुल गांधी सीन में ही नहीं है। और कहाँ है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ही कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई कहता विदेश में है, कोई कहता स्वदेश में है, किसी को नहीं पता। और राहुल गांधी, मैं सिर्फ इतनी सी बात बार बार राहुल गांधी इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते, कांग्रेस पार्टी को खबर होने के नाते, कि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मनमोहन सिंह के लिए आना चाहिए था जैसे बाकी नेताओं के लिए आया। आपका विचार है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हर व्यक्ति की अपनी निजता है, प्राइवेसी है। हमें वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं उन अटकलबाजियों को छोड़कर, राहुल गांधी जी कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस अध्यक्षा जी और कांग्रेस नेतृत्व से अनुमति लेकर आत्म विश्लेषण की इजाजत ली है ताकि वो पार्टी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाकर जनता की आवाज बना सके। वो वापिस आएंगे, पार्टी और ज्यादा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, और ये बात खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनेकों बार कही है। मुझे लगता है कि उसके मायने निकालना अनुचित होगा। पूरी बातचीत आज रात 7:30 बजे जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। सत्ता में चमकने वाले चेहरे सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए तो अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी विरोध प्रदर्शन का हौसला मिल गया। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस तरह दिन भर अपना विरोध जताया, ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर, लखनऊ, देवरिया, बागपत, सड़क से लेकर रेल की पटरी तक कोयले की कालिख से घिरे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बचाव में उतर आई है कांग्रेस। दिल्ली में कमान दिग्गजों ने संभाली तो देश के दूसरे शहरों में तमाम कांग्रेसी क्षेत्रीय क्षेत्र अब प्रदर्शन में ताकत झोंकते नजर आए। कानपुर की इन तस्वीरों को देखिए, रेलगाड़ी गुजरने को है। फाटक के पास पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जिद रेल रोकने की है। पहले पुलिस से थोड़ी धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने भी जोर आजमाइश करते हुए ट्रेन आने से एन पहले किसी तरह कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। लेकिन ट्रेन के गुजरते ही पटरी से उतरी पार्टी की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने की कवायद में कांग्रेसी रेल की असल पटरी पर बैठ ही गए। हौसला अफजाई के लिए कानपुर से पूर्व सांसद श्री प्रकाश जायसवाल भी पहुंचे और मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है, पूरा जमाना जानता है, पूरी दुनिया जानती है उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर जो कोई भी प्रश्न लगाएगा वो सूरज के सामने थूकने का काम करेगा। जहाँ तक कोर्ट के जजमेंट की बात है तो कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका आदर किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध के मोर्चे पर रीता बहुगुणा जोशी खुद तैनात दिखी। लोगों को होने वाली परेशानियों की अनदेखी करते हुए अमृतसर एक्सप्रेस करीब घंटे भर तक लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई। बहाना वही, पूर्व PM मनमोहन सिंह का समर्थन और भूमि अधिग्रहण कानून की मुखालफत। रीता बहुगुणा जोशी ने भी मनमोहन सिंह पर कार्रवाई को NDA सरकार का षड्यंत्र बता डाला। ये राजनीतिक षड्यंत्र है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह से ईमानदार नेता छोड़ दीजिए, इंसान मिलना मुश्किल है। और कानून खुद एक दिन देखिएगा कि उनको बेगुनाह साबित करेगा। और ये सारा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए की सरकार का षड्यंत्र है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवरिया स्टेशन पर कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस का चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। देश के तमाम हिस्सों से दिन भर कांग्रेस के रेल रोको अभियान की तस्वीरें आती रहीं। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए मनमोहन सिंह के बचाव का मोर्चा तो खोला ही, साथ ही एनडीए सरकार पर भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए दबाव भी डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।